हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बारे में। और कार्बोकैटायन को मैं प्यार से बोलूँगा धोखेबाज। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन पे फर्स्ट टाइम क्रिएट होंगे, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होगा कि वह उस कार्बन पे ना रहे, शिफ्ट होकर के किसी और कार्बन पे चले जाए। तो चूंकि ये रीअरेंज हो सकते हैं, ये एक उसी कार्बन पे नहीं टिक सकते, इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है धोखेबाज। और जो आपको इस वीडियो लेक्चर में पता भी लग जाएगा कि मैं क्यों इसको धोखेबाज बोल रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस धोखेबाज के बारे में पहले बताओ सर, क्योंकि इससे बच के रहना है। तो देखो, इसके बारे में पहला पॉइंट यह है कि ये एक इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन के बीच में बनता है। और ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो सिर्फ शिफ्ट होता है, बाकी कोई भी इंटरमीडिएट शिफ्ट या रीअरेंज नहीं होते। ओनली कार्बोकैटायन ही शिफ्ट या रीअरेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट कि इसमें 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर होता है, राइट। आप देख सकते हो, ये कार्बन अगर है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन हो गया, तो इसके पास 3 सिग्मा होंगे, 0 लोन पेयर। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या रहेगा, sp2। इसलिए इसका शेप कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो प्योर वाइटल है, ये बोट के प्लेन के अप होंगे और एक बोट के प्लेन के डाउन होगा, इसलिए इस पर अटैक जो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का, वो दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए इसमें आपको रेसिमिक प्रोडक्ट भी मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन थर्ड पॉइंट इज कि वैकेंट प्योर वाइटल है इसके पास, इसलिए ये लुइस एसिड का काम कर सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में से आता है, डैट मीन्स ये बेगर हैं, भिखारी हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। चौथा पॉइंट ये है कि ये डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, देख सकते हो आप, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इवन नंबर में, तो ये डायमैग्नेटिक होंगे क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, इसलिए ऑलवेज इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल या वो जिसके पास लोन पेयर है। पॉजिटिव इसके पास भूल से भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिपेल हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका इंट्रो। नाउ अब हम बात करते हैं कि कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ पे फॉर्म्ड होंगे। कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ आपको फॉर्म करना है। तो पहला केस है जहाँ भी SN1 रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 रिएक्शन हो, या एलिमिनेशन वाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो, तो SN1 या E1 रिएक्शन में आपको कार्बोकैटायन बनाना है, जो कि एल्काइल हैलाइड में जनरली होता है, अल्कोहल में होता है, ईथर में होता है, राइट। तो जहाँ भी SN1 या E1 रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरा, जहाँ भी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो, तो ये OH और H+ वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा, राइट। तीसरा, जब भी एल्कीन डबल बॉन्ड पे एडिशन हो HX का, लाइक HCl का या HBr का, अगर HX का एडिशन डबल बॉन्ड पे हो रहा है, तो वहाँ भी कार्बोकैटायन आपका फॉर्म्ड होगा। या फिर H+ H2O का एडिशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हो, तो भी वहाँ पे कार्बोकैटायन आपको फॉर्म होंगे। कार्बोकैटायन और कहाँ पे फॉर्म होगा, जब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन, एलिफैटिक अमाइन की रिएक्शन अगर आप NaNO2 और HCl से करा दोगे, तो Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम बनेंगे, जो क्विकली ब्रेक होकर के आपको कार्बोकैटायन देंगे। और कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AlCl3 से कर दोगे एनहाइड्रस वाले से, तो ये AlCl3 X को खींच लेगा और क्या बना देगा, R+। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि पहले आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए कि कार्बोकैटायन बनाना कहाँ है। तो वेरी सिंपल, 5 जगह पे आपको कार्बोकैटायन बनाना है, SN1 या E1 रिएक्शन में बनाना है, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अगर दिख जाए तो बनाना है, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HX या एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H+ H2O तो वहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनाना है, 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl तो डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं उस केस में भी बनाना है, और एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर डी ब्लॉक का कोई कंपाउंड हो तो वहाँ पे आपको कार्बोकैटायन बनाना है। तो आई होप क्लियर होगा कि आपको कार्बोकैटायन कहाँ कहाँ पे बनाना है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके रीअरेंजमेंट के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट के बारे में। तो ध्यान से देखो, रीअरेंजमेंट बस इतनी ही जगह पे पॉसिबल है,
पहला केस वाया एच माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, तो हाइड्राइड शिफ्ट होकर के रीअरेंजमेंट हो सकता है, या फिर एल्काइल शिफ्ट होकर के हो सकता है, या फिर रिंग एक्सपेंड हो सकती है तो उससे रीअरेंजमेंट हो सकता है, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है तो उससे आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो टोटल चार प्रोसेस है और चारों को अच्छे से समझ लो कि ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हाइड्राइड शिफ्ट मैंने पहले लिखा है क्योंकि ऑलवेज पहले इसको कराना है। और जैसे यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन पे प्लस है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट पहले होगा, तो ऐसे केस में आपको हाइड्राइड शिफ्ट कराना है। यहाँ पे कार्बन पे प्लस है बट इधर में कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि कार्बन ने अपना चारों बॉन्ड बना लिया, तो जब हाइड्रोजन नहीं होगा तब यहाँ पे आपको कराना है अल्काइल शिफ्ट। तो पहले तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म कर लेना, हाइड्राइड शिफ्ट को प्रेफर करना है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तब आपको एल्काइल शिफ्ट कराना है, ये तभी पॉसिबल है जब हेच नहीं है, ये मैं लिख देता हूँ, जब हाइड्रोजन नहीं है तब एल्काइल शिफ्ट, अगर हाइड्रोजन है तो फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। रिंग एक्सपेंड कब होगी, तो दो ही केस में, जब फोर मेंबर रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, फोर मेंबर रिंग से जो कार्बन अटैच होंगे उस पे प्लस होना चाहिए, तो फोर मेंबर रिंग होगी तो, या फिर वैसे ही फाइव मेंबर रिंग होगी तो, फोर मेंबर रिंग या फाइव मेंबर रिंग से जो कार्बन अटैच हैं उसके पास अगर प्लस है तो ही रिंग एक्सपेंड होगी और फोर मेंबर फाइव में चली जाएगी और फाइव मेंबर सिक्स में। कहने का यहाँ पर मतलब है कि अगर मान लो कि आपके साथ ऐसा कोई केस है, तो ये फोर मेंबर रिंग है राइट, बट प्लस यहाँ पे नहीं है, इधर है, तो अभी रिंग एक्सपेंड नहीं होगा। ये कहने का मतलब है फोर मेंबर या फाइव मेंबर रिंग से जो कार्बन अटैच है बाहर वाला उस पे ही प्लस होना चाहिए, तभी जा कर के ये रीअरेंजमेंट या ये रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। और कंट्रैक्शन फिक्स है जब फोर मेंबर रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, कहीं पे भी अगर फोर मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तभी कॉन्ट्रैक्शन कराना है। एक्सपेंशन भी फिक्स है फोर मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कारण पे, या फाइव मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कारण प्लस है तब एक्सपेंशन कराएंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल शिफ्ट कराएंगे, और अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो आई होप पहले क्लियर होगा कि हमें चारों जगह पर कैसे करना है, एक भी इसमें कन्फ्यूजन का सीन नहीं होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, हाइड्रोजन नहीं है तो एल्काइल शिफ्ट कराना है। रिंग एक्सपेंशन दो ही केस में पॉसिबल ही है, एक जब चार मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कारण पे प्लस हो तो रिंग एक्सपेंड ही कराना है, या पांच मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कारण पे प्लस हो तो रिंग एक्सपेंड ही कराना है। रिंग कंट्रैक्शन का एक ही केस है जब चार मेंबर रिंग पे प्लस हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन में आपको हाइड्राइड शिफ्ट कब कराना है, तो वेरी सिंपल है, इसलिए मैंने हेडिंग लिखा रीअरेंजमेंट वाया हाइड्राइड शिफ्ट। तो आप ध्यान से देखो, तो जिस कार्बन पे प्लस है राइट, इस कार्बन प्लस है, इसके बगल वाला आपका अल्फा कार्बन हो गया, हाइपर कंजुगेशन के ट्रिक में बता रखा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो इसके पास अभी दो ही अल्फा हेच है। अगर ये रीअरेंज कर जाता है, रीअरेंज में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचा देना है और इस प्लस को यहाँ पहुँचा देना, वेरी सिंपल, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे प्लस यहाँ आ गया और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, जो हम दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो अब यहाँ पे आने से फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो यहाँ तीन अल्फा हेच और यहाँ दो अल्फा हेच, टोटल कितने, फाइव अल्फा हेच हो गए। तो पहले कितने थे, दो थे, अब कितने हो गए, पाँच, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो ये जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए। तो दो अल्फा एच से पांच अल्फा एच हो गया, तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट होगा और आपका रीअरेंज प्रोडक्ट ये है, राइट। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल या कुछ भी होना होगा तो अब यहाँ अटैक करेगा या यहाँ से रिएक्शन होगी, यहाँ से नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको बोला है धोखेबाज, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म्ड यहाँ हुआ तो आपको लगेगा कि कोई एलिमेंट यहाँ अटैच होना चाहिए, लेकिन अटैच कहाँ हो रहा है, यहाँ, तो इसमें धोखेबाजी हो सकती है, इसलिए मैंने इसका नाम धोखेबाज रखा है। सेकेंड थिंग, जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तीन और एक, चार अल्फा हेच हैं राइट, हाइपर कंजुगेशन मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, आप देख सकते हो चार अल्फा हेच हैं। अब ये इधर अगर गया, इधर गया तो दो ही अल्फा हेच होंगे, और अगर इस साइड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ सकता अभी, क्यों, क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, तो अगेन हेच माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ भी H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होगा,
तो कुछ नहीं करना, हर डाइट शिफ्ट में आपको कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं दिखेगा, बस ये प्लस यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ आने से क्या फ़ायदा हुआ, 3, 3, 6 और 2 कितने टोटल 8 अल्फा एच हो गए, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये रीअरेंज होकर के यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए अगर कार्बोकैटायन यहाँ बना तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे ना होकर के कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है, धोखेबाज। नाउ अगर इसको देखें तो अभी ये जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में इसके पास ऑलरेडी 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये किसी भी साइड जाएगा तो इससे कम अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंज कराना ही है, अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो नहीं, स्टेबल नहीं है तब जाकर के वो रीअरेंज होंगे। सिमिलरली अगर फोर्थ केस देखें हम, तो यहाँ पे इसके पास 2 ही अल्फा एच हैं, अगर ये रीअरेंज कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आने से कितना हो गया 3 और 1 4 अल्फा एच हो गए, राइट। फिर से ये रीअरेंज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपके पास हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने से क्या हो गया 2, 2 4 और 2 6 अल्फा एच हो गए। तो देखो 2 से पहले कितना हो गया 4 और 4 से कितना हो गया 6, तो जब तक अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता रहेगा ये रीअरेंज होते रहेंगे, तो सबसे स्टेबल ये है, तो ये यहाँ पे आकर के रुकेगा। तो मैं ये एग्जांपल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट एक से ज़्यादा टाइम पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट तभी कराना जब आगे वाला स्टेप स्टेबल हो, अल्फा एच आपको काउंट करना ऑलवेज। अब इसको अगर मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो वेरी सिंपल है कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस कारण पे प्लस बना उधर से एक ही तरफ जाने का रास्ता है, तो इसलिए ऑलवेज हमें मोर पाथ खोजना है, राइट। 2 नाका पे जाना है, 3 नाके पे जाना है, तो यहाँ से अगर ये प्लस यहाँ पे आ गया तो ध्यान से देखो, अब 2 नाका हो गया, इधर भी जा सकता है ये, इधर भी, तो 2 नाका ज़्यादा स्टेबल हो गया। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन इधर जा सकता था ये प्लस, और इधर, ये जस्ट समझाने के लिए, लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गया तो इससे क्या हो गया, इसके पास 3 नाका हो गया, ध्यान से देखो 3 नाका, तो जितने ज़्यादा नाका उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। सिमिलरली ये ऑलरेडी 3 नाके पे था इसलिए ये कहीं नहीं गया, यहाँ पे ध्यान से देखो इधर एक ही नाका था, तो घूम करके यहाँ पे जब आया तो अगेन 1 और 2 ही नाका था, फिर और आगे गया, यहाँ पे जब आया तो इसके पास 3 रास्ते। तो जस्ट ये समझने के लिए कि प्लस चार्ज को आपको धीरे धीरे क्या करना है, 3 नाका पे लेके आ जाना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करके अगर आने की पॉसिबिलिटी है तो लेके आना है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कि हाइड्राइड शिफ्ट हम कैसे करते हैं। इस हाइड्राइड शिफ्ट से अगर आप ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन छोटू सा है, पता ही नहीं लगता कि वो शिफ्ट कैसे हो गया, बस प्लस को आपको शिफ्ट करते जाना है। नाउ नेक्स्ट इज अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट कब करना आपको बता रखा हूँ, जब हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, इस कारण पे प्लस है, राइट। अभी इस कंडीशन में इसके पास 3 ही अल्फा एच है, और ये यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए जा तो सकता है, लेकिन इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा और कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये सब एल्काइल ग्रुप है। तो ऐसे केस में अभी तो तीनों मिथाइल ही हैं, राइट, तीनों सेम ही हैं, तो इसमें से किसी एक को आपको शिफ्ट करना है। तो ध्यान से देखो, जैसे हाइड्रोजन के केस में करते थे वैसा ही है, इसको यहाँ पे ले आना है और प्लस को यहाँ पे, समझो, बाकी चीज़ को वैसे ही रखना है। तो बाकी चीज़ जो जैसे है वैसे ही रहने दो, यहाँ पर का जो डंडी था वो यहाँ चला गया और यहाँ पर का प्लस आपका यहाँ पे आ गया, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3, 3, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 अल्फा एच हो गए, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बात समझ में क्या किया हमने, ये वाले डंडी को यहाँ से निकालो और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे चिपका दो, और इस प्लस को जहाँ से ये डंडी निकाला वहाँ पे लगा दो। सेम इस केस में भी देखो, इस कारण पे प्लस है, राइट, तो अभी इसके पास 3 ही अल्फा एच है और इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि सब एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल शिफ्ट होगा, राइट। अब एल्काइल में कौन सा एल्काइल शिफ्ट करोगे, जो बड़ा वाला होगा, ये वाले बिग वाले डंडी को, तो ये वाले डंडी को यहाँ से खींच लो, तो खींच लेंगे तो बाकी चीज़ ध्यान से देखो, वो डंडी खींच दिया तो यहाँ पे प्लस, और वो डंडी को कहाँ लगा देना, यहाँ पे। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि 7 अल्फा एच। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर बड़े वाले को क्यों, क्या छोटे वाले को कर देते, छोटे वाले को करते तो क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ से देखो, अगर सपोज करो आपने इस वाले डंडी को खींचा तो बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने दो,
ध्यान से देखो, ये डंडी हटा दिया तो ये इधर था और ये था, और यहाँ पे प्लस और ये। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, ध्यान से देखो, प्रॉब्लम यह हुआ कि 3, 2, 5, 1, 6 ही अल्फा हैच हो गए, जबकि यहाँ 7 थे। तो इसलिए जब डंडी हटाना हो तो कौन सा हटाना है, बड़ा वाला, ताकि अल्फा हैच इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस है, राइट। अब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ से कौन सा डंडी हटाओगे आप, बड़ा वाला। तो अब ध्यान से देखो, बाकी चीज़ को वैसे रहने दो, यहाँ से बड़ा वाला डंडी हट गया, मतलब खींच लिया तो प्लस क्रिएट हो गया, और वो डंडी कहाँ पे लगा देना, यहाँ पे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो पहले सिर्फ क्या था, 2 नाका, अब कितने नाका हो गए, 3 नाका, या फिर अल्फा हाइड्रोजन तो 3, 2, 5, 1, 6 अल्फा एच हो गए, जबकि पहले कितने थे, सिर्फ 2 अल्फा एच थे। तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा कैसे हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं और कैसे एल्काइल। हाइड्राइड में आपने देखा स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा था, लेकिन एल्काइल में ऑलवेज स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस दिखेगा। और करना क्या है, वहाँ से वो डंडी या वो बॉन्ड को हटा लेना है, प्लस की जगह चिपका देना, और प्लस वाले को आपको जहाँ से डंडी हटाए हो वहाँ पर प्लस क्रिएट कर देना है। नाउ अब हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल ट्रिक लाया, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 मेंबर रिंग है और उसके बाहर वाले कार्बन पे प्लस है, तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन गई, राइट। तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट हमने लिखा है, जिस कार्बन पे प्लस हो उसको 1 नंबर देना है, और फिर रिंग के अंदर वाले कार्बन को नंबरिंग करना है। जैसे ध्यान से देखो, अप्लाई करके बताता हूँ, इस कार्बन पर प्लस है तो इसको 1, उसके बाद रिंग के अंदर जाना है तो 2, अभी किधर भी ग्रुप नहीं लगा है तो जिधर मन करे तो 3, 4 और 5, राइट। तो ये पहले पॉइंट का मतलब है कि जिस कार्बन पे, डेट मीन्स रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन को 1 देना है नंबरिंग में। ये IUPAC नेमिंग का नंबरिंग नहीं है, ये मैं आपको ट्रिक का पॉइंट बता रहा हूँ। तो आपको उसको 1 देना है, उसके बाद रिंग वाले पे आ जाना है और रिंग में नंबरिंग कर देना है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये करने के बाद आप भूल जाओगे क्या हुआ, 5 टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब आपको क्या करना है, 5 मेंबर की एक रिंग बना देनी है, क्योंकि हमने 5 टोटल आया तो 5। तो और उसके बाद क्या पॉइंट है, देखो कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव देना और बाकी ग्रुप जिस कार्बन पे था लगा देना है। तो ध्यान से देखो, तो रिंग के किसी भी कार्बन पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, और कार्बन नंबर टू का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, जब आपने नंबरिंग कर लिया, टोटल 5 आए तो 5 मेंबर की रिंग बना दिया, आपको जहाँ से मन करे, मैं देखो यहाँ से कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ से मन करे वहाँ से आप नंबरिंग कर दो। ये 5 कहने का मतलब कि ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ध्यान से देखो, ये 5 कार्बन की आपको रिंग बन जाएगी, ओके। और कहीं से भी नंबरिंग कर दो, और कार्बन नंबर 2 पे क्या देना है, प्लस, तो ये प्लस यहाँ पे देना, तो ये इसका रीअरेंजमेंट हो गया। चलिए अब सेकंड देखिए, सेकंड में भी अगेन ध्यान से देखो, 4 मेंबर की रिंग है और उसके जस्ट आउटसाइड वाले पे पॉजिटिव है, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या बोला, जिस कार्बन पे प्लस है उसको 1, 2, इस केस में जिधर सब्स्टिट्यूशन होगा उधर ही 3 देना है, तो 3, 4 और 5, ये 5 इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपको आंख बंद कर करके 5 मेंबर की एक रिंग बना लेनी है, और फिर इसमें जहां से आपको मन करे वहां से नंबरिंग कर दो। देखो मैं यहां से कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये कर दिया। कार्बन नंबर 2 पे क्या देना है आपको, प्लस। कार्बन नंबर 2 पे क्या दे देना है, प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, राइट। 3 पे एक, तो 3 कहाँ है यहाँ, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दे देना है, ये इसका रीअरेंजमेंट हो गया। बात समझा, वेरी सिंपल, जिस कार्बन पे प्लस है उसको 1 देते हुए रिंग वाले कार्बन पे नंबरिंग कर दो, जितना नंबरिंग आ जाए उतने मेंबर की रिंग बना दो, उसके बाद उस रिंग पे कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 2 पे प्लस दो, उसके बाद देख लो कि किस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, तो सिर्फ 3 कार्बन पे ये लगा हुआ था तो 3 पे लगा दिया, क्योंकि ये सब कार्बन तो आपका कहाँ आ गया, रिंग में आ गया, बस यही कार्बन बच गया था। अभी फर्दर इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट। कैसे, आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 ही नाका है, यहाँ पे आएगा तो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फर्दर एक और रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। सिमिलरली तीसरे वाले को देखो, तो ध्यान से देखो, पहले 5 मेंबर रिंग है, कंडीशन होनी चाहिए 5 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट आउटसाइड वाले पे पॉजिटिव है, तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, तो इसको 1 देंगे,
टू, अभी किधर भी जा सकते हो, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स आने का मतलब क्या करना है आपको, सिक्स मेंबर की रिंग बना देनी है और जहाँ मन करे वहाँ से नंबर करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और क्या करना है टू पे पॉजिटिव ये। अब इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ था तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारे कार्बन आपके किस में काउंट हो गए, रिंग में काउंट हो गए, तो कोई ग्रुप नहीं लगा तो ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये रीअरेंज प्रोडक्ट हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट फोर नंबर देखो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये पांच मेंबर की रिंग और इसके बाहर कोई पॉजिटिव नहीं है, राइट, तो अभी रिंग एक्सपेंड तो नहीं कराना है, लेकिन ये जो है वो वन डिग्री कर्व कटाइन है, ये यहाँ पे शिफ्ट होके आ सकता है, तो पहले आपकी शिफ्टिंग होगी राइट, तो पहले शिफ्ट कराओ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस वाया हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन था। अब जब हाइड्राइड शिफ्ट होकर के आया तो अब एक परफेक्ट कंडीशन बन गया रिंग एक्सपेंशन की, क्योंकि ये पांच मेंबर रिंग और उसके बाहर वाले कार्बन पे प्लस है, तो आपको फिर से मैं पॉइंट बता रखा हूँ, जिस कार्बन पे प्लस है उसको वन देना है और रिंग वाले कार्बन पे आ जाना है, तो ये टू इधर ही थ्री करना है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, फोर फाइव और सिक्स, तो ये सिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको आँख बंद कर करके सिक्स मेंबर की एक रिंग बना देनी है और इस पर जहाँ से मन करे वहाँ से नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ध्यान से देखो ये हो गया सिक्स कर दिया, उसके बाद कार्बन नंबर टू पे प्लस डाल दो, डाल दिया। अब ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये और ये सारे कार्बन तो आपके किस में चले गए हैं, रिंग में चले गए, तो क्या हुआ, कार्बन नंबर वन पे ये बचा हुआ है और कार्बन नंबर थ्री पे ये बचा हुआ है, तो वन पे लगाओ और थ्री पे लगाओ, सिंपल, समझ गया बात। अब आपको मालूम है कि ये दो नाके पे ये कार्बो कटाइन फंसा हुआ है, तो तीन नाके पे जा सकता है, तो किसी भी साइड इसको आप शिफ्ट कर दो और यहाँ पे अगेन हाइड्राइड शिफ्ट होगा अगर इधर करोगे, तो ये आपको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेंगे, तो बहुत ईजी है ये, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। एक और मैं लेता हूँ, कभी कभी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, देखो तो यहाँ पे कार्बो कटाइन रीअरेंजमेंट हो जाएगा राइट, क्यों, क्योंकि ये अभी वन डिग्री है तो यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे ले आएंगे, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं रिंग एक्सपेंशन सोचने लगते हैं, यहाँ पे रिंग एक्सपेंड नहीं कराना है, क्यों, क्योंकि आपकी रिंग ऑलरेडी सिक्स मेंबर की है, ओनली फोर मेंबर रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले पे होगा तो, या फाइव के आउटसाइड वाले पे होगा, यहाँ पे सिक्स के आउटसाइड है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है राइट, तो यहाँ पे ये प्लस अभी दो नाके पे है तो यहाँ आ सकता है तीन नाके पे, तो इसको रीअरेंज करके आपको तीन नाके पे लेके आना है, तो यहाँ हर केस में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, यही वो केस है जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे प्लस था तो वो प्लस को कहाँ ले आते हैं, अंदर में, और पांच मेंबर रिंग ही रहने देते हैं, नहीं पांच छः में जाएगा, यहाँ पे आपको रिंग एक्सपेंड कराना है, जबकि यहाँ पे रिंग ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, सिक्स मेंबर स्टेबल है, तो यहाँ पे आपको हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, तो आई होप क्लियर होगा बहुत अच्छे से, वेरी सिंपल है, जिस कार्बन पे प्लस है उसको वन देते हुए नंबरिंग कर लो, वो सारे नंबरिंग वाले कार्बन से रिंग बना लो, टू नंबर पे पॉजिटिव दो, उसका देख लो कि कौन कौन से कार्बन पे क्या लगा हुआ है, लगा दो, फिर फर्दर रीअरेंजमेंट की पॉसिबल है तो आप रीअरेंज करा दो। नाउ लास्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वेरी रेयर है और बहुत ही कम इसके एग्जांपल है और फिक्स है, अगर फोर मेंबर रिंग पे प्लस चार्ज होगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपको करना क्या है, जिस कार्बन पे प्लस हो उसके बगल वाले कार्बन के इधर वाले बॉन्ड को ध्यान से देखो, उसको भी मैं नंबरिंग करता हूँ, वन टू थ्री, तो जिस कार्बन पे प्लस है वो वाले कार्बन के बॉन्ड को नहीं, टू थ्री के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देना, इसको हटा दो और यहाँ से इसको अटैच कर दो। आप तो ध्यान से देखो क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये मैंने अटैच कर दिया और ये आपका ये बचा हुआ डंडा था और यहाँ पे प्लस टू पे अगेन प्लस ले आना है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो ऐसा हो जाएगा राइट। और ये डांसिंग रेजोनेंस से कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, बोल देते हैं सर तीन नाका बन गया, नहीं, ये डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से ये यहीं पे स्टेबल है और हाईली स्टेबल है, इवन दो ये आपका इस कार्बो कटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल है, सी एच टू प्लस से भी, ओके तो इसको इसलिए ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, फोर मेंबर रिंग के पोर पॉजिटिव होगा तो वो थ्री मेंबर रिंग में जाएंगे, करना क्या है भाई, जिस कार्बन पे प्लस है उसको वन टू थ्री, टू थ्री के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, डैट मीन्स वन को थ्री से कनेक्ट कर देना है, टू पे प्लस ले आना है और यहीं पे स्टेबल है, उसको अंदर रीअरेंज नहीं कराना है, इवन तो ये कार्बो कटाइन आपका ये रेजोनेंस वाले कार्बो कटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल है।
नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका रीअरेंजमेंट मेरे को कराना है। तो आप ध्यान से देखो, फोर मेंबर रिंग है, उसके बाहर वाले कॉर्नर पे प्लस है। तो सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन गई। तो रिंग एक्सपेंड कराना आपको क्या बताया था, जिस कॉर्नर पे प्लस है उसको 1, 2, इधर सब्स्टिट्यूशन है तो इसको 3, 4 और 5, रिंग वाले सारे कार्बन को नंबरिंग कर देना। 5 आने का मतलब क्या हो गया कि आपको 5 मेंबर की रिंग बना लेनी है, और जहाँ से मन करे वहाँ से नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमने क्या बोला था, 2 पे प्लस देना है, 2 पे प्लस दे दिया। अब ध्यान से देखो, ये सारे कार्बन तो आपके रिंग में आ गए, राइट। अब 3 वाले पे ये ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 वाला कार्बन यहाँ है, इस पे ये ग्रुप लगा दो। अब क्या फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो यस, ये अभी 2 डिग्री आपका, राइट। 2 रास्ते यहाँ पे आ सकता है, 3 ना का है तो ये फर्दर शिफ्ट होगा। तो पहला क्या हुआ है ध्यान से देखो, तो रिंग एक्सपेंड हुई है आपकी। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो ध्यान से देखो, H शिफ्ट होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे प्लस आ जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट से। क्या फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो यस, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इसके पास 2, 2 और 1, 5 अल्फा हाइड्रोजन थे। अगर ये यहाँ से यहाँ जाए, ये भी 3 नाक है, ये भी 3 नाक है, लेकिन आगे वाले नाके पे जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आगे वाले नाके पे जाने की वजह से अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, H शिफ्ट। अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो ध्यान से देखो क्या हो गया, 3, 3 और यहाँ पे 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 5 से 7 तो वो स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखो, तो फिर से रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन गई। कैसे, 5 मेंबर रिंग है और उसके जस्ट आउटसाइड वाले पे पॉजिटिव है। तो हमने क्या बोला था आपको, इसको 1 करो, इसको 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या करना है, 6 मेंबर रिंग बना देना आपको आंख बंद करके, जहां से मन करे नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दिया हमने। 2 पे क्या कर दो, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब तो आपके किस में चले गए, रिंग बनाने में। तो आपका बचा कौन, ये वाला और ये वाला, दोनों किस पे लगा है, 1 पे ही लगा हुआ है, तो 1 पे आप लगा दें। अब फिर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल शिफ्ट। यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट होगा तो आपको बताया था, ये वाला डंडी हटाओ, यहाँ चिपका दो, प्लस को यहाँ कर दो। तो ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ वाला एक डंडी हटा दिया तो प्लस, और उस प्लस की जगह वो डंडी चला गया, तो ये यहाँ पे। अब यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से अब क्या हुआ, 3, 1, 4 और 2, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो, मैंने ये एग्जांपल बहुत ही बेस्ट लिया है, और इसमें मैं कहना चाहूँगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, इसमें सब एक साथ आ गए। आपका रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन लगी, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, फिर हेज शिफ्ट हो गया, फिर से आपका रिंग एक्सपेंड हुआ, फिर से रिंग एक्सपेंड हुए, फिर आपका एल्काइल शिफ्ट। तो ये एक ऐसा मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें ये चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये नहीं कि कार्बोकैटायन रिंग मतलब एक मरतबा करा दिया और छोड़ दिया, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो इसमें आपको हर कंडीशन को चेक करते रहना और लास्ट स्टेबल कंडीशन पे ये बनाना है। ये कहने का क्या मतलब है कि आपको मान लीजिए ये इस टाइप का कुछ आपको दिया जाता है, यहाँ पे मान लो आपका लगा होता Cl और ये कंडीशन होती। अगर मान लो ये रिएक्शन जो है हो रही है वाया कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना होता है, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते, पहला प्रोडक्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को लगा देते हैं, और ये हो जाता है आपका गलत। एक्चुअली में क्या होगा प्रोडक्ट आपको मालूम है, ध्यान से देखो, ये जो अनएक्सपेक्टेड है आपकी सोच से बाहर है, यहाँ पे आकर के आपका न्यूक्लियोफाइल लगता है, तो इसका एक्चुअल प्रोडक्ट ये होगा। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का कहने का ये मतलब है कि एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो पहले आप उसको रीअरेंज कराएंगे, रीअरेंज करने के बाद न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे। इसलिए अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन हो रही है वाया SN1 कार्बोकैटायन अगर बन रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मिलेगा तो आप कैसे थिंक करेंगे। तो उसके लिए आपको ये इतना हमने समझाया है, क्योंकि ये डायरेक्ट हवा में उड़ करके नहीं आएगा। तो आई होप
ये आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस जितने भी PYQs हैं उसको आप कीजिए, ज़रूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू।